नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी में। मैं हूं मिस्टर राम। मैं आज आपको बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट थ्री, जो रिमेनिंग था वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, और इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा देखो, इनमें है कुछ नहीं, जैसा बता रहा हूँ सिर्फ उस पर आप ध्यान दीजिए, बाकी सब बना देंगे आप। अच्छा देखिए, ये बनते कैसे हैं। जब भी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है ना, और उसमें लास्ट में यदि क्वेश्चन टैग दे रखा है, तो दोस्तों हमेशा याद ऐसे रखा करो कि मानो इसे भूल जाओ, इसे ये भूल जाओ कि ये कुछ है ही नहीं, ऐसे भूल जाओ इसे। ठीक है, तो क्लियर है ना, इसे आप बिल्कुल फॉरगेट कर दीजिए। सिर्फ अब देखिए, लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो अब आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क यदि आता है तो जो कंजंक्शन लगाते हैं वो इफ लगाते हैं, बस इस चीज़ को भूल जाइए, सिर्फ साइन से मतलब रखिए आप। अच्छा देखिए, इसे बनाएंगे कैसे। जैसे हमने लिखा सी, अब देखिए आगे आ रहा है सेट टू। अब ये इंटरोगेटिव है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो सेट टू जो चेंज होता है वो किस में होता है, आज्ड में। तो मैंने लिख दिया आज्ड, क्या बचा आगे, मी। क्लियर है ना। अब ये इंटरोगेटिव है तो इसलिए सेट टू को आज्ड में चेंज किया। अब इंटरोगेटिव होने पर आपको पता है कि कंजंक्शन क्या लगाते हैं, इफ, तो मैंने यहाँ पर इफ लगा दिया। अब आपको पता है कि यू जो होता है वो अपने पड़ोसी के पास जाता है, तो पड़ोसी के पास गया, यू एक सब्जेक्ट है इसलिए मी के पास गया। अब मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई लिखा। उसके बाद आपको पता है ये टेंस कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बदलेगा किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल अब इसको बनाते हैं, तो इसलिए सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। और ये जो मी दे रखा है, मी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास जाता है, तो मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आई होप क्लियर समझ में आया होगा, और यहाँ पर आप फुल स्टॉप कर दीजिए, ये जो है इसे बिल्कुल भूल जाइए कुछ लिख रहा है, क्लियर है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में भी सेम ऐसे ही होगा, जैसे ही, अब देखिए इसको तो हम भूल जाएंगे, ये जो लिख रहा है इसे भूल जाओ। अब इंटरोगेटिव है इसलिए सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, आज्ड में चेंज हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आज्ड। अब क्या शेष है यहाँ पर, मी। अब एक कंजंक्शन जो लगाएंगे वो हम लगा देंगे इफ। अब यू पड़ोसी के पास जाएगा तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई। तो जो भी प्रेजेंट का होता है वो पास्ट में जाता है, तो एज आर एम का पास्ट क्या होता है, वॉज वर, तो आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। अब आगे क्या बचा, पुअर, तो मैंने पुअर लिखा, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। आई होप दोस्तों क्लियर समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। अच्छा इसे देखिए, ये देखो किट्टू, अब ये भी सेम है तो इसको आप फॉरगेट करिए, यहाँ पर आप लिखिए जैसे किट्टू, सेट टू किस में जाएगा, इंटरोगेटिव साइन है ना, तो सेट टू जाएगा आपका आज्ड में, तो मैंने यहाँ पर आज लिख दिया। शेष बचा मी, तो मी लिखा। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या लगा देंगे, इंटरोगेटिव होने पर इफ, यू पड़ोसी के पास जाएगा तो ये हो जाएगा इसका आई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो ये बदलेगा किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सिम सेकेंड फॉर्म, तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। आगे स्वीट्स है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्वीट्स, और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक प्रॉब्लम क्लियर होती है कि यहाँ पर देखो, अगर जैसे स्वीट्स है ना, तो स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ, है ना, मिठाइयाँ, लेकिन अकेला यदि स्वीट आता है तो इसका मतलब होता है मीठा, अकेला स्वीट है तो ये मीठा होता है, और एस लग रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा मिठाइयाँ, क्लियर है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, टाइप नंबर सेकंड में क्या होता है कि और भी अलग अलग डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, तो देखो इस तरह से पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सेम इंटरोगेटिव आ रहा है ना, तो इंटरोगेटिव आने पर सेम वही चलेगा, ही का ही, सेट टू किस में जाएगा, आज्ड में, आगे क्या आ रहा है, मी, क्लियर है ना। अब इसे इंटरोगेटिव होता है तो हम जोड़ते हैं, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, इफ लगा देते हैं, तो इफ लगाया। अब यू जो होता है वो पड़ोसी के पास जाता है, तो यू मी के पास गया तो यहाँ हो जाएगा आई, और अगर डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा हो तो उसे चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड थर्ड फॉर्म, तो मैंने यूज़ कर दिया हैड, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा,
रिटर्न यानी WRITEN, क्या लिख रहा है वो? एक लेटर, तो मैंने लिख दिया अ लेटर। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखो, ये वाला तो पूरा क्लियर हो गया, तो ये जो इंटरोगेट होता है फुल स्टॉप में चेंज हो गया है ना, फुल स्टॉप में हो गया। अब ये वाला ये जो रिमेनिंग है ये बच रहा है ना, अब इसको क्या करते हैं, कभी भी हमेशा याद रखो आई सेड दे रखा है ना, तो आप आई सेड दे रखा है तो इसका सीधे सीधे आप बना दीजिए आई, जो बच रहा है उसे सैड, जो यानी ये रिमेनिंग पार्ट है ना, तो उसकी जगह लिख दो आई सैड दैट, आई सैड दैट लिखा। अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो ये जो दे रखा होता है ना, ये देखो वो यहाँ पर आ जाता है आई, और पास्ट एंड परफेक्ट है तो बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में तो आई के साथ क्या आता है, हैड। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस आ रहा है तो देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत सरल है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपका ये दे रखा है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तब आप इसका यूज़ करेंगे, तो सेट टू जो होता है वो यानी इसके सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कि टीचर जो होता है स्टूडेंट को क्या करता है, ऑर्डर देता है, तो सेट टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में, बाकी सब में सेम चलेगा, सिर्फ सेट टू का चेंज करना होता है। जैसे इंस्पेक्टर जो होता है वो किसी को यदि बुलाएगा तो क्या करेगा, ऑर्डर देगा ना, उसे एडवाइस वगैरह तो कुछ करेगा नहीं। अच्छा, अगर डॉक्टर जो होता है जैसे डॉक्टर तिवारी, तो अपनी बाय डॉक्टर तिवारी जो है अपनी वाइफ को बोल रहा है कि मेडिसिन टाइम टाइम से पहले ले लीजिए, तो ये हो जाएगा। अब डॉक्टर अगर अपनी वाइफ को या फिर डॉक्टर किसी को भी देगा तो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा ना, तो उसे क्या करेगा, वो एडवाइस देता है। तो आपको इस सेंस को देख करके सेट टू की जगह पर लिखना होता है। चलिए करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा द, आगे क्या लिख रहा है, टीचर, टीचर। अब टीचर जो हो रहा है बच्चे को क्या कर रहा है, बैठने के लिए बोल रहा है, तो ऑर्डर दे रहा है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर्ड, सेट टू को सेंस के अकॉर्डिंग, ऑर्डर्ड किसको दे रहा है वो, स्टूडेंट को, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट। अब इसको हमें जोड़ना है तो इसकी जगह पर क्या लिखना होगा, टू लिखना होगा, इसमें लिख रहा है ना कनेक्टिव जो होता है टू लगाते हैं, तो टू लगा दिया। अब जो बचता है ना उसे आप सेम नीचे लिख दीजिए सेट डाउन, तो मैंने लिख दिया सेट डाउन। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब इंस्पेक्टर जो होता है किसी को बोलेगा तो ऑर्डर देगा वो, है ना, रिक्वेस्ट करेगा नहीं, एडवाइस देगा नहीं, तो सेट टू अब चेंज हो जाएगा इंस्पेक्टर, सेट टू किसमें बदल जाएगा, ऑर्डर में, तो ORDERED, ऑर्डर्ड। नेक्स्ट आगे क्या लिख रहा है, हिम। अब इसे जब जोड़ेंगे तो क्या लगाएंगे, टू, और जो पीछे लिखा और होता है ना उसे सेम उतार देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉल द विटनेस, कॉल द विटनेस, एकदम क्लियर ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर तिवारी। आप इसे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप भी तो करो, सारा कुछ मुझसे करवा लोगे। चलिए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए, रिमेनिंग जो है वो मैं इसमें आपको क्लियर करा देता हूँ। अच्छा इधर देखिए आप, अगर ये देखो नेगेटिव इम्पेरेटिव दे रखा हो ना, यानी नेगेटिव इम्पेरेटिव भी है उसके साथ साथ वो नेगेटिव भी है, तब आप इसे कैसे करेंगे? तो ये भी बहुत ईजी है, सिर्फ आपको सेट टू की जगह पर आपको सिर्फ फॉरबिड लिखना है, और कनेक्टिव जो होगा वो क्या लगाना है, दैट लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा चलो, तो हमने क्या किया, ही लिखा, सेट टू किस में बदलेगा, फॉरबिड में, तो ये लिख दिए फॉरबिड। आगे क्या हो रहा है, मी, तो यहाँ पर लिखा मी। अब इसे हम जब जोड़ते हैं तो कनेक्टिव क्या लगता है, टू, टू लगाया समझ लो, और डू नॉट जो होता है ना वो बिल्कुल हट जाता है क्योंकि इसकी जगह पर हमने फॉरवर्ड यूज़ किया है। आगे क्या बच रहा है, डिस्कस मी, तो ये हो जाएगा डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। अब ये ऑब्जेक्ट है मी, तो फर्स्ट पर्सन के पास जाएगा, ही के पास। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हिम, तो ये हो जाएगा ही फॉरबेड मी टू डिस्टर्ब हिम, सेम ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो देखो टीचर जो हो रहा है वो बच्चों से मना कर रहा है कि भाई क्लास में प्लीज शोर मत कीजिए आप, तो ये भी सेम हो जाएगा, द टीचर सेट टू किस में जाएगा, फॉरबिड में, तो मैंने लिख दिया द टीचर फॉरबिड किसको मना कर रहा है, वो चिल्ड्रन को, तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रन।
जैसे सेम दे रखा है बस वैसे ही करते जाइए, आप कर पा लेंगे। अच्छा देखो, इससे हम जोड़ेंगे तो क्या लगाएंगे, टू। डू नॉट को लिखते नहीं है, यदि आप फॉर बिड यूज़ कर रहे हैं तो बचा क्या, मेक अ नोइज इन द क्लास ना, ये सेम जो बच रहा है उसे आप सेम कंटिन्यू यहाँ पर आप उतार दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप, क्लियर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री कैसे करेंगे, ये भी बहुत ईजी है। डू नो, अब देखिए इसमें क्या, ये थोड़ा अलग है उससे। अगर ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि डू दे रखा होता है ना, तो वो सिर्फ एक तरह से उसमें फोर्स बनाने के लिए होता है, बाकी उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो एक तरह से समझो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि डू दे रखा है ना, तो इनडायरेक्ट जब आप उसे बनाएंगे ना, समझ लो ये है ही नहीं। जैसे हमने डू नॉट को हटाया था, ऐसे हम डू को हटा देंगे। आगे करिए तो देख सकते हैं आप, आई सेट टू है ना, अब सेट टू जो होगा वो इसके सेंस के अकॉर्डिंग, यानी अगर हम बोल रहे हैं कि आप चाय ले लीजिए, यानी कि कॉफ़ी ले लीजिए या फिर खाना ले लीजिए, तो ऐसे सेंस में क्या आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट में क्या जाएगा, ये सेट टू चला जाएगा रिक्वेस्टेड में, तो आप रिक्वेस्टेड लिख दीजिए। आगे क्या आ रहा, मी, तो आपने मी लिखा। अब डू तो हमने हटा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आती है तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पर, टू, और जो जो सेम बचता है उसे आपको ज्यों का त्यों लिखना होता है। तो आप ऐसे लिख दीजिए, हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्लियर है ना। अच्छा देखो, और देखो इसको भी देख लो आप, जैसे ये लिख रहा है ही, तो ही का ही, अब वो उससे बोल रहा है कि आप गीता को पढ़िए, तो उसको क्या कर रहा है, वो एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस के लिए सेट टू किस में चला जाएगा, एडवाइज्ड, तो ये हो जाएगा एडवाइज्ड मी, और जब हम इसे हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, टू। डू तो हट गया, बचा क्या, रीड द गीता, तो आप यहाँ लिख दीजिए टू रीड द गीता, आपको कुछ अलग नहीं करना है। तो दोस्तों ये थे, अब इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे, आप इनके आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।